कह रहा है कि एक राजमार्ग पर दो स्थान है। चलो देखो फिगर से समझ ले तब समझ में आएगा, इसमें फिजिक्स का भी कंसेप्ट डाले हुए है। एक राजमार्ग पर दो स्थान है, एक है ए और दूसरा क्या है बी है। और कह रहा है प्रश्न कि दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर। ठीक है, अब प्रश्न कह रहा है कि एक कार ए से और एक कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है, ठीक है ना। मान लो यहाँ सी बिंदु, तो एक कार जो है ए यहां से चलती है यहां आके, यहां पर कंडीशन दिया हुआ है कि यहीं पे आके दोनों गाड़ियां क्या होती हैं, मिल जाती है यहां पर। एक कार यहां से, एक कार यहां से चलना प्रारंभ करती है, दोनों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है और कुछ कितना समय बाद, 5 घंटा बाद बिंदु सी पर मिल जाती है। तो देखो क्वेश्चन के प्रश्न के अंत में क्या कह रहा है, चाल ज्ञात करना है। कौन कार है यहाँ पर, मान लिया कि पहली कार ए की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा तथा दूसरी कार बी है, कहाँ अच्छा कार एगो कार हटा दो, एगो कार को बेकार कर दो, चलो ठीक है, बी की चाल है वाई किलोमीटर प्रति घंटा। तो इतना लिखने के बाद बंद करो, कह रहा है दोनों कार कितनी देर चलती है, 5 घंटा। ध्यान देना, दोनों कार पहले ही पोजीशन दोनों का अलग अलग है लेकिन एक ही दिशा में, कह रहा है और ये भी 5 घंटा चल रही है तो यहाँ आ जाती है और ये भी 5 घंटा ही चल रही है तो यहाँ आ जाती है, समझ में रहा है। तो अब स्पीड तो हमने मान लिया क्रमशः पहले का एक्स दूसरे का वाई, तो यहाँ एक सूत्र होता है दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। तो यहाँ पहली गाड़ी, पहली कार यहाँ से चलती है चाल गुना समय, तो यहाँ पहली गाड़ी के लिए क्या हो जाएगा, चाल कितना माने है एक, समय 5 घंटा, समय वाई 5 घंटा, तो 5x हुआ ना, ये 5x यहां से ए से लेकर सी तक की दूरी कितनी हुई 5x। अब ये भी 5 घंटा चलती है तो सी पर आ जाती है, तो दूसरी गाड़ी के लिए चाल क्या है वाई और समय 5 घंटा ही है, तो यहां से लेके यहां तक क्या हुआ 5y। ये समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि इसी पे इक्वेशन बनने वाला है, ठीक है ना। तो यहां ए से लेकर बात करते हैं सी की, तो ए सी घटाओ बी सी बराबर ए बी, कैसे, ये इतना में से हम इतना काट लेंगे तो इतना बचेगा ना, या सीधा ये भी लिख सकते हैं ए बी जोड़ बी सी बराबर ए सी, होगा ना इतना, तो उसी आधार पे हमने यहां लिख दिया। तो ए सी की दूरी कितनी है, बी सी की दूरी, ए बी कितना है 100 किलोमीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब 5 उभयनिष्ठ निकाल लो, एक्स माइनस वाई बराबर 5 गुना 20 कर दो, 20 × 5 = 100, 5 से 5 क्या हुआ कट गया, यहां लिख दो एक्स माइनस वाई बराबर इक्वेशन नंबर 1। चलो इस इक्वेशन को निकालने में समस्या है किसी को, समझ में आ रहा है। अब दूसरा कंडीशन देखो क्या कह रहा है, ये दोनों कारें विपरीत दिशा में चल रही है तो 1 घंटे पश्चात मिलती है, यही ना है, देख लो ठीक से। तो दोनों कार विपरीत दिशा में चलते, सबके बुक में दिया है ना, नहीं दिया है तो लिख लो, ये मिसप्रिंट है, हाँ जिसमें लिखवाया गया होगा तो होगा, एक लाइन जोड़ लो जिसका नया किताब होगा उसमें नहीं होगा,
यदि दोनों कारें विपरीत दिशा में चलती है तो एक घंटे बाद या पश्चात मिलती है। तो यहाँ दोनों कार कितनी देर चल रही है बोलो, एक घंटा। तो जब उसमें हम लोग समझे थे कि चाल बराबर क्या, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना, तो एक गुना एक पहली का एक गुना एक यही ना होगा, और दूसरी एक गुना वाई। तो यहां पर ए से लेकर सी तक ए सी प्लस बी से लेकर सी तक बी सी ए सी या प्लस बी सी दोनों मिलकर क्या है, ठीक है ये हुआ। तो ए सी कितना है, एक एक्स को एक्स लिख सकते हैं ना, चलो यहाँ एक गुना वाई और दोनों मिलकर कितना है 100। तो यहाँ इक्वेशन कर देंगे एक्स प्लस वाई बराबर 100। दूसरा समीकरण अब इनको हल करना है, अगर हल करना होता हमें विलोपन विधि से तो तुरंत हो जाता, यहाँ हम कर लेंगे किस विधि से, वज्रगुणन विधि से। तो यहाँ पर पहला है x माइनस वाई तो माइनस बीस बराबर जीरो, और दूसरा है x प्लस वाई माइनस सौ बराबर जीरो, ये समीकरण दोनों, ये है पहला ये दूसरा। हो जाएगा माइनस एक गुना माइनस सौ माइनस एक गुना माइनस सौ माइनस बीस गुना प्लस एक। अब y में ये करेंगे तो एक गुना माइनस सौ माइनस बीस गुना एक अब इसको जब ढकेंगे तो क्या होगा, एक गुना एक माइनस माइनस वन गुना एक्स बटा सौ प्लस बीस बराबर माइनस वाई बटा माइनस सौ प्लस बीस बराबर एक बटा एक प्लस एक। एक्स बटा एक सौ बीस माइनस वाई बटा माइनस अस्सी और ये होगा एक बटा दो। इसको हमें दो दो करके हल करना है, यहाँ दोनों को अलग अलग रख लो, एक बार एक्स टर्म को एक्स बटा एक बटा एक सौ बीस बराबर एक बटा दो, तो हो जाएगा टू एक्स बराबर एक सौ बीस, यहाँ हो जाएगा एक्स बराबर एक सौ बीस बटा दो कट जाएगा सात, तो हो गया एक्स बराबर सात। अब होगा माइनस वाई बटा माइनस अस्सी बराबर एक बटा दो, तो ये माइनस माइनस हटा दो, दो वाई बराबर अस्सी, वाई बराबर अस्सी बटा दो कट जाएगा चालीस होगा ना, बराबर चालीस, तो हो जाएगा वाई बराबर कितना चालीस। तो एक्स क्या है, क्या है एक्स, कार ए, तो यहाँ एक्स वाई ए लिख नहीं होना, लिखना है क्योंकि कोई यू मान सकता है भी मान सकता है कुछ भी, तो लिखेंगे कार ए की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा कार बी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है।